आमतौर पर जनसुनवाई में एडीएम और एसडीएम स्तर के अफसर ही जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन इंदौर जिले की प्रशासनिक जनसुनवाई में नवागत कलेक्टर इलैया राजहट्टी ने अपने तेवर दिखाते हुए जनता की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान देने के लिए क्विक फॉर्मूला निकाला और खुद जनसुनवाई में मौजूद रहकर जनता की समस्याओं को लेकर संबंधित को फोन लगाकर निपटान कराया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर इलैया राजहट्टी का क्विक फॉर्मूला, जनसुनवाई में जनता को हाथों हाथ दिलाया समाधान। अधिकारियों को जब कलेक्टर ने लगाया जनता के लिए फोन, रसूखदारों से बोले पीड़ित को जल्दी दे दो न्याय। इंदौर जिले के नए कलेक्टर इलैया राजहट्टी ने अपने अंदाज में जनसुनवाई को अपने हाथों में ले लिया है। मंगलवार को जब नवागत कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान पीड़ितों को हाथों हाथ समाधान दिलाया, इस मौके पर कलेक्टर का अंदाज बयान देखते ही बन रहा था। She is not late. She is well within the time. वो आपकी है ना, मतलब एडमिशन की प्रोसेस है ना खत्म हो गया, आपकी इश्यू है वो अलग, बट इनकी है ना मतलब है ना कैंसिलेशन के साथ है, मतलब क्या होना चाहिए, सिस्टम की कमी है, सिस्टम के कमी के कारण मतलब है ना बच्चे सफर ना हो, दैट्स वेरी क्लियर राइट। तो आपका कोई भी इश्यू है मतलब यू रही थी इश्यू, मतलब मैंने वी विल टॉक टू है ना, मतलब आपका हेरिटेज में पीए से बात करते हैं, मिनिस्टर से बात करूँ, बट यू कैन नॉट एंड टेल दिस इज द रीजन है ना यार, आप इस आपका आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है, मतलब आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर तो मैं फॉलो इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज है ना मेरा सीट फिल नहीं हुआ, ये आर्गुमेंट गलत है, लॉजिक सही है आपका, आर्गुमेंट गलत है, मतलब मेरा मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी का कॉल तब तक है ना स्टूडेंट्स को ना परेशान ऐसे नहीं होता। अरे इनका ना टैक्स का सही कैलकुलेशन होना, इसमें क्या इश्यू है, मतलब है ना लगातार हड़ताल चल रहा है, ठीक है अभी भी है ना दो घंटे तो है ना सही टैक्स निर्धारण नहीं हो रहा है, तो रेवेन्यू लॉस है, ये तो आप लोग को सीरियसली लेना चाहिए, सामाजिक न्याय विभाग से बुलाके मुझे पूरा चेक कर लो, नक्शा वगैरह चेक कर लो, ठीक है वॉट एवर इनका इंटेंशन है वो हमको नहीं पता, हमको तो चाहिए मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में टैक्स है ना मतलब सही तरीके से आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है चेक करके बताओ, ले लो मैं फीडबैक दूंगा। इस दौरान कलेक्टर ने कई रसूखदारों को भी फोन लगाकर जनता को राहत दिलाई। कलेक्टर इलैया राजहट्टी इस मौके पर एक्शन में नजर आए, जनसुनवाई में जनता की कतारें भी दिखाई दी तो नवागत कलेक्टर के तेवर देखकर माथहत अफसर भी हैरान नजर आए। नहीं वो जनसुनवाई तो है ना शासन की ना रेगुलर प्रोसेस है, उसमें काफी लोगों का है ना किनके है ना मतलब है ना नियम कानून या प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, मतलब वो लोग अपना आवेदन लगाते हैं, इसके अलावा मतलब है ना किनके काम नहीं हो पा रही है, मतलब कहीं ना जनसुनवाई एक बहुत उचित माध्यम है, बट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, हमारी एम तो ये रखेगा कि आपका सब डिविजनल लेवल पे इवन ब्लॉक लेवल पे ना जनसुनवाई है एक इफेक्टिव माध्यम बने लोगों की ना समस्या को निराकरण करने के लिए, फिर ये भी एक अच्छा माध्यम है कि समस्या है ना कौन सी एरिया से किस लेवल की समस्या आ रही है उसको समझने का और सिस्टमिक लेवल पे उसको ना दूर करने का भी है, काफ़ी लेवल पे समटाइम्स उनके ना सहायता का ना अपेक्षा भी रहती है, मतलब किसी और है ना योजना के माध्यम से कवर नहीं हो रहे तो मतलब कलेक्टर ना हर तरीके से हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी हम लोगों ने आज ना कॉल किए हैं एंड काफ़ी कुछ मैटर्स का आज मौके पे ही निराकरण किए हैं, काफ़ी ना कुछ पेंशन सैंक्शंस किए हैं, बीपीएल कार्ड्स का ना वितरण किए हैं, कुछ दिव्यांग लोगों का ना मदद किए हैं या कुछ इलाज सहायता वगैरह दिलाएं, कुछ कॉलेजेस में ना कुछ इश्यूज हैं उसको ना रिजॉल्व करने के लिए ना कोशिश किए हैं, इसके अलावा कुछ इश्यूज हैं मतलब लॉन्ग टर्म है उसका डेली मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग नोट कराएंगे, उसको लगातार हम लोग ने समीक्षा करेंगे आने वाले समय पर उसको निराकरण करने के लिए कोशिश करेंगे, कुछ इश्यूज है ना बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग टर्म होती है जैसे कि ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ना प्लाट ना नहीं मिलने का या फिर कॉलोनी में डेवलपमेंट है ना नहीं होने का या फिर बहुत सारे लोगों के ना प्लाट बुक हो गया है बट एटली उनको प्लाट नहीं मिला है, ऐसे मैटर पे भी हम लोग ने संज्ञान में लिए हैं, अधिकारी को ना निर्देशित किया गया कि ऐसे मैटर्स को संवेदनशीलता के साथ है ना केस दर्ज करते हुए दोनों पार्टीज को सुनवाई करते हुए विधिवत है ना हम उनको राहत कैसे पहुंचा सकते हैं उसका काम नहीं डेफिनेटली आज भी है ना आई थिंक वापस बुला भी लिए हम लोगों का, हम लोग जनरली ये रहता है अनलेस अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ना कोई प्रोग्राम नहीं है तो हम है ना अपेक्षा करेंगे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही है ना मतलब जनसुनवाई उपस्थित रखेंगे तो डायरेक्टली उनका है ना सही डायरेक्शन रखेगा कि नीचे के ना इशू को रिजॉल्व करने के लिए, डेफिनेटली सेकेंड लेवल है ना अधिकारी है उनको जनसुनवाई में अलाउड नहीं रहेगा। कुल मिलाकर कलेक्टर की सख्ती का असर जिले के प्रशासनिक संकुल में चर्चाओं का विषय भी बना रहा और जनसुनवाई के बदले फॉर्मेट को पीड़ितों ने भी हाथों हाथ लिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।